आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आतंकवादियों के समर्थक पाकिस्तान की निकली हवा, जीवन रक्षक दवाओं की किल्लत, भारत से दवा मंगाने को दी मंजूरी। सोनिया गांधी से दिग्विजय सिंह की शिकायत, वन मंत्री उमंग सिंघार ने दिग्विजय के खिलाफ खोला मोर्चा। मध्य प्रदेश सरकार में घमासान, शिवराज बोले सोनिया गांधी को इंटरफेयर करना चाहिए। कांग्रेस सरकार के 8 महीने के हालातों से आहत है कांग्रेस नेता अरुण यादव, कहा इसलिए तो बीजेपी से नहीं लड़े थे। और अजीत जोगी की जाति के बाद अमित जोगी के जन्म स्थान पर विवाद, अमित जोगी हुए गिरफ्तार। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। खबरें विस्तार से। भारत को एटम बम की धमकी देने वाले आतंकवादियों के समर्थक देश पाकिस्तान को 1 महीने में अपनी गलती का एहसास होने लगा है। भारत से व्यापारिक रिश्ते खत्म होते ही पाकिस्तान में त्राहिमाम शुरू हो गया था, तो अब चरम पर है। पाकिस्तान में जीवन रक्षक दवाएं तक नहीं है और मजबूरन पाकिस्तान ने भारत से दवाएं मंगाए जाने की इजाजत दे दी है। 1 महीने में ही पाकिस्तान को नानी याद आ गई। भारत से व्यापारिक रिश्ते खत्म कर पाकिस्तान ने खुद ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। तमाम सामान के साथ पाकिस्तान में जीवन रक्षक दवाओं की भारी किल्लत हो गई है। लोग इमरान सरकार को गालियां दे रहे हैं। आम लोग और विपक्ष ने इमरान सरकार के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने बौखलाहट में भारत से सारे व्यापारिक संबंध एक झटके में खत्म कर लिए थे। पाकिस्तान में भारतीय सामानों के बायकॉट का अभियान चला। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की तैयारियों के सामने पस्त पाकिस्तान ट्रेड के मोर्चा पर भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता था, लेकिन 30 दिन गुजरते गुजरते पाकिस्तान को अपने फैसले का असर समझ में आने लगा। पाकिस्तान के प्रतिबंधों का असर भारत पर तो नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान में त्राहिमाम की स्थिति बन गई है। पाकिस्तान के अस्पताल में जीवन रक्षक दवाओं की किल्लत हो गई और दवाओं के अभाव में मरीज मौत के मुंह में समा रहे हैं। लुटे पिटे आतंकवादियों के समर्थक पाकिस्तान ने अब भारत से दवाएं मांगने की अनुमति दे दी है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल जियो टीवी के मुताबिक संघीय सरकार ने सोमवार को भारत से जीवन रक्षक दवाओं के आयात को मंजूरी दे दी है ताकि मरीजों को राहत मिल सके। पाकिस्तान के वाणिज्य मंत्रालय ने वैधानिक नियामक आदेश जारी कर अपने यहाँ की दवा इंडस्ट्री को इंडिया से मेडिसिन इंपोर्ट करने की इजाजत दे दी है। मध्य प्रदेश के वन मंत्री उमंग सिंघार ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की शिकायत की है। उमंग सिंघार के सोनिया गांधी के लिखे पत्र के बाद मध्य प्रदेश में सियासी भूचाल आ गया है। उमंग सिंघार ने दिग्विजय सिंह को ब्लैकमेलर कहने के साथ आरोप लगाया है कि उनकी शाह पर शराब और रेत का धंधा भी चल रहा है। वन मंत्री उमंग सिंघार के दिग्विजय सिंह के मध्य प्रदेश सरकार में हस्तक्षेप को लेकर सोनिया गांधी को लिखे पत्र से सियासी बवाल खड़ा हो गया है। उमंग सिंघार मध्य प्रदेश की पूर्व उप मुख्यमंत्री और दिग्गज आदिवासी नेता जमुना देवी के भतीजे हैं। सिंघार ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी करीबी माने जाते हैं। अब सिंघार दिग्विजय सिंह के विरुद्ध खुलकर मैदान में आ गए हैं। उमंग का आरोप है कि दिग्विजय सिंह शराब और रेत के धंधे से जुड़े हैं। उमंग का आरोप है कि दिग्विजय सिंह मंत्रियों पर बेवजह दबाव डालते हैं। शराब का धंधा करवा रहे हैं, रेत का धंधा करवा रहे हैं, खुलेआम पैसा लूटने में लगे। ये मध्य प्रदेश सरकार को लूट रही है, सरकार आम जनता की, ये सरकार आम कांग्रेस के कार्यकर्ता जैसे दिग्विजय सिंह की सरकार में। जिस प्रकार से अपने स्तर पे काम करवाते और अधिकारियों के माध्यम से दबाव बनवाते, तो इसका मतलब ब्लैकमेलिंग। जिस प्रकार से नीतियों के अंदर या अपनी पॉलिसी के अंदर इंटरेस्ट में नीतियां बदलाते, ब्लैकमेलिंग और क्या है।
मयंक सिंघार ने सोनिया गांधी को पत्र में लिखा है कि कमलनाथ सरकार को पार्टी के ही कद्दावर नेता और सांसद दिग्विजय सिंह अस्थिर कर स्वयं को पावर सेंटर के रूप में स्थापित करने में जुटे हैं। वन मंत्री उमंग सिंघार ने लिखा है कि मंत्री अपने मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायित्व होता है। दिग्विजय सिंह एक राज्यसभा सदस्य है, वे पत्र लिखकर मंत्रियों से ट्रांसफर पोस्टिंग का हिसाब ले रहे हैं जो अनुचित है। ऐसे में तो अन्य सांसद राज्यसभा सदस्य और नेतागण भी मंत्रियों को लिखे पत्रों का हिसाब किताब लेना शुरू कर देंगे। यदि यह परंपरा पड़ गई तो मंत्री सरकारी कामकाज और जनहितैषी योजनाओं को क्रियान्वयन कैसे कर पाएंगे। उमंग सिंघार के इस पत्र के बाद दो अन्य मंत्रियों ने भी कांग्रेस हाईकमान को दिग्विजय सिंह के बेवजह के हस्तक्षेप पर पत्र भेजे हैं। मध्य प्रदेश के वन मंत्री उमंग सिंघार के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर दिए बयान के बाद सियासी घमासान पर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची है, कांग्रेस में गृह युद्ध मचा हुआ है, पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी को इंटरफेयर करना चाहिए, कोई ब्लैकमेल कर रहा है तो कोई तबादला और खनन में व्यस्त है, जनता त्रस्त हो चुकी है। वन मंत्री उमंग सिंघार के बयान के बाद अब विपक्ष ने भी कमलनाथ सरकार और प्रदेश की कांग्रेस पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए। ये प्रदेश में हो क्या रहा है, सरकार कौन चला रहा है, ये साफ होना चाहिए। जनता ने सरकार इसलिए नहीं बनाई थी कि सत्ता में बंदरबांट हो, सरकार में कोई रेत खोद रहा है, कोई ब्लैकमेलर हो रहा है, कोई तबादलों में व्यस्त है। शिवराज ने कहा, मेरी चिंता कांग्रेस नहीं, इसकी चिंता सोनिया जी करें, मेरी चिंता प्रदेश की जनता की है, जनता परेशान हो रही है। कमलनाथ सरकार ने ना तो बेरोजगारी भत्ता दिया, ना ही किसानों का कर्ज माफ किया, कांग्रेस अपने वचन से मुकर गई है। आज सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई, रोज सुर्खियां यही बन रही है, एक मंत्री कुछ कह रहा है, दूसरा मंत्री कुछ कह रहा है, कोई अवैध खनन को लेकर बोलता है तो कोई ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर बात करता है। मेरी चिंता कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस की चिंता सोनिया जी करें, मेरी चिंता मध्यप्रदेश की 7.5 करोड़ जनता है जिसको तबाही के कगार पर इन कांग्रेसियों ने पहुंचा दिया है। ये गृह युद्ध बंद करें, सोनिया जी मैं फिर कहता हूँ कि इंटरफेयर करें, हस्तक्षेप करें, वचन दिया था कर्जा माफी, वचन दिया था बेरोजगारी भत्ते का, वचन दिया था मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास का, लेकिन वचन पूरे नहीं कर रहे, बातें नहीं निभा रहे। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने उमंग सिंघार की तारीफ करते हुए कहा कि वो जो बोलते हैं साफ बोलते हैं, सिंघार शेर हैं और उनकी बात में दम है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पता नहीं सरकार कौन चला रहा है, प्रदेश दिवालियापन की कगार पर है। सिंधिया के शक्ति प्रदर्शन को लेकर भार्गव ने कहा कि सिंधिया जन नेता है, कार्यकर्ताओं का उनके लिए शक्ति प्रदर्शन करना स्वाभाविक बात है। उमंग सिंघार ने जो बात कही है, मुझे भी ये दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हम पहले दिन से कह रहे थे उस राज्य को चला कौन रहा है, कोई कह रहा 2.5 मुख्यमंत्री, कोई कह रहा 3 मुख्यमंत्री, कोई कह रहा 3.5 मुख्यमंत्री, कितने लोग हैं सरकार, इस समय पूरे प्रदेश के अंदर घोर प्रशासनिक अव्यवस्था कर रही है, कलेक्टर SP हाथ पर हाथ रखे रहे, वास्तविक मुख्यमंत्री कौन है, वास्तविक अधिकारी कौन है, किसके कहने से मैं हटूंगा, किसके कहने से जाऊँगा, ट्रांसफर किसके कहने से हो रहे हैं मुझे भी पता नहीं, जैसा कहा बयान द कर्टेन पर्दे के पीछे से सब ये हो रहा है, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति राज्य की कभी रही नहीं जैसी स्थिति वर्तमान में है। मध्य प्रदेश कांग्रेस और कमलनाथ सरकार में घमासान मचा हुआ है। मध्य प्रदेश में असली मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं या दिग्विजय सिंह, इस सवाल ने कांग्रेस नेताओं को हिलाकर रख दिया है। कांग्रेस के संघर्ष के दौर में अध्यक्ष रहे अरुण यादव कांग्रेस के ताजा हालातों से आहत हैं। अरुण यादव ने कहा कि 8 महीने में जो हालात सामने आए हैं, अगर यही सब होना था तो मैं जहरीली और भ्रष्ट विचारधारा के खिलाफ लड़ाई ही नहीं लड़ता। कांग्रेस को सत्ता की चौखट पर लाने में जबरदस्त भूमिका निभाने वाले अरुण यादव कांग्रेस सरकार में जो कुछ चल रहा है उससे हैरान और परेशान हैं। अरुण यादव की मनस्थिति को समझा जाए तो वो इस समय बेहद दुखी हैं। कमलनाथ सरकार में चल रहे घमासान और मध्य प्रदेश में पर्दे के पीछे दिग्विजय सिंह का शासन चलाने की बात ने उन्हें हिला के रख दिया है। कमलनाथ के मंत्री अब 3 खेमों में बट गए हैं, भीतर ही भीतर सब एक दूसरे की पोल पट्टी उजागर करने में लगे।
लगे हैं। अधिकांश मंत्री दिग्विजय सिंह के बेवजह हस्तक्षेप से परेशान हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव ने एक ट्वीट कर मध्य प्रदेश कांग्रेस के अंदर चल रही जंग को और तेज कर दिया है। उनका कहना है कि 15 साल तक हम लड़ते रहे, लेकिन पिछले 8 महीनों में जो हुआ उससे बहुत आहत हूँ। अपने ट्वीट में अरुण यादव ने लिखा है, मध्य प्रदेश में 15 सालों तक ईमानदार पार्टीजनों के साथ किए गए संघर्ष के बाद 8 महीनों में जो स्थितियां सामने आ रही हैं, उसे देखते हुए बहुत व्यथित हूं। यदि इतनी जल्दी इन दिनों का आभास पहले ही हो जाता तो शायद जान हथेली पर रखकर जहरीली और भ्रष्ट विचारधारा के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ता। बहुत आहत हूं। मध्य प्रदेश में इन दिनों कांग्रेस नेताओं के बीच जमकर विवाद चल रहा है। मंत्री उमंग सिंघार ने तो पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनका कहना है कि वे सिंह रेत और शराब के कारोबार में शामिल हैं। उधर ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर समर्थक कुछ भी करने को तैयार हैं। कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर सिंधिया समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया है। वहीं सिंधिया ने कहा, जो पार्टी हाईकमान का फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा। अवैध उत्खनन के मसले पर सिंधिया अपनी ही सरकार से दुखी नजर आए। उन्होंने कहा, मुझे दुख है कि अभी भी प्रदेश में अवैध उत्खनन हो रहा है, जबकि हमने चुनाव प्रचार में साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस सरकार में अवैध उत्खनन नहीं होगा। मध्य प्रदेश में हो रहे अवैध उत्खनन को लेकर कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी ही सरकार से दुखी हैं। सिंधिया ने कहा कि मुझे दुख है कि अभी भी प्रदेश में अवैध उत्खनन हो रहा है, जबकि हमने चुनाव प्रचार में साफ तौर पर कहा था कि कांग्रेस सरकार में अवैध उत्खनन नहीं होगा। ऐसे में जो भी लोग इस खेल में लगे हुए हैं उन पर सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर उन्होंने कहा कि जो पार्टी हाईकमान फैसला करेगा वो सर्वमान्य होगा। जो निर्णय कांग्रेस हाई कमांड लेगा बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि हमने ये बहुत और मैंने ये बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। और अगर रेत उत्खनन अभी भी चल रहा है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण बात नहीं हो सकती, सख्ती से साथ रोकी जानी चाहिए थी। और आज भी मैं कह रहा हूँ, सख्ती से रोकी जानी चाहिए। कांग्रेस में मचे घमासान के बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया आज सुबह ग्वालियर पहुंचे। उनके स्वागत के लिए स्टेशन पर समर्थकों की भारी भीड़ मौजूद थी। खुद प्रदेश सरकार में महिला बाल विकास मंत्री और सिंधिया की कट्टर समर्थक इमरती देवी उन्हें लेने स्टेशन पहुंची। इस बीच मंत्री इमरती देवी ने एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को पीसीसी चीफ बनाने की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि सभी का मन है कि सिंधिया प्रदेश अध्यक्ष बने। राहुल और सोनिया गांधी जी को जल्द ज्योतिरादित्य सिंधिया को पीसीसी चीफ बनाना चाहिए। ऐसा नहीं होने की सूरत में जब उनके अगले कदम के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया कि मैं सिंधिया के साथ हूँ, जो महाराज कहेंगे वो करने को तैयार हूँ, महाराज से 2 कदम आगे हूँ। और सभी का मन है, चाहे प्रदेश में कहीं भी चले जाओ, श्रीमान ज्योतिरादित्य छोड़ना चाहिए। मैं चाहती हूँ, मैं अपनी तरह से बात कर रही हूँ कि श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहिए और मैं उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराष्ट्र का प्रभारी बनाए जाने और मध्य प्रदेश में दरकिनार करने के बाद से ही उनके समर्थक नाराज हैं। इस बीच ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि सिंधिया कई भाजपा नेताओं के संपर्क में भी हैं। उनके भाजपा में जाने की अटकलें भी लगाई जाने लगी हैं। हालांकि मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने उनकी नाराजगी से इनकार किया है। कांग्रेस विधायक पर प्रताड़ना के आरोप लगाते हुए एक कांग्रेस नेता आनंद अग्रवाल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की गाड़ी के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की। मौके पर मौजूद कांग्रेसियों ने आनंद को जैसे तैसे बचा लिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया शताब्दी एक्सप्रेस से जब ग्वालियर पहुंचे तो स्टेशन परिसर के बाहर कांग्रेसी नेता आनंद अग्रवाल ने अपने शरीर पर पेट्रोल डाल लिया। इसके बाद स्टेशन परिसर के बाहर हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जैसे तैसे आनंद को काबू में लिया। आनंद ने बताया कि महाराज बाड़े पर वह एक ठेला लगाकर छोटा व्यापार करता है, ऐसे में प्रवीण पाठक उसका रोजगार छीनने के लिए अतिक्रमण विरोधी मुहिम के नाम पर उसे परेशान करता है। हालांकि आनंद के इस आरोप को प्रवीण पाठक ने सिरे से खारिज कर दिया। आनंद ने जब अपने शरीर पर पेट्रोल डाला तब आनंद कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक मुर्दाबाद के नारे लगा रहा था।
अमित जोगी का जन्म सार बेहरा गौरेला में नहीं अमेरिका में हुआ है। ऐसी ही एक शिकायत पर पुलिस ने आज धारा 420 में मामला दर्ज कर अमित जोगी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया है। पहले पिता की जाति पर सवाल और अब पुत्र के जन्म स्थान पर सवाल उठ रहा है। इधर अदालत ने अमित जोगी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को धारा 420 में मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल भाजपा की प्रत्याशी रही समीरा पैकरा ने एक शिकायत की थी, जिसके मुताबिक जोगी पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव के समय शपथ पत्र में अपना जन्म स्थान गलत बताया था। समीरा पैकरा ने शिकायत दर्ज कराई कि अमित जोगी ने चुनाव के दौरान दिए गए शपथ पत्र में अपना जन्म वर्ष 1978 में ग्राम सारबहरा गौरेला में होना बताया है, जबकि उनका जन्म वर्ष 1970 में डगलास नामक स्थान टेक्सास अमेरिका में हुआ है। गिरफ्तारी से कांग्रेस ने पल्ला झाड़ लिया है। कांग्रेस ने कहा है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। मंगलवार की सुबह भारी मात्रा में पुलिस बल अमित जोगी के घर पहुंचा और घर के आसपास भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया। उसके बाद पुलिस ने 420 के मामले में अमित जोगी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जोगी को गिरफ्तार कर व्यवहार न्यायालय में पेश किया। अदालत ने अमित जोगी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए उन्हें 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। Rabindranath Tagore University, formerly known as ISECT University, the pioneers in skill development with focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, खेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पूर्व जनसंपर्क मंत्री और बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस सरकार पर टिप्पणी करते हुए कहा, सुपर सीएम मंत्रियों से जवाब मांग रहे हैं। मंत्री कह रहे हैं सरकार कोई और चला रहा है, पूरे प्रदेश में माइनिंग की लूट मची हुई है। बीजेपी नेताओं के निशाने पर कमलनाथ सरकार है। पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सरकार की हालत पर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि बड़ी विचित्र स्थिति है। मंत्री कह रहे हैं कि सरकार कोई और चला रहा है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम चला रहे हैं, सुपर सीएम पत्र से जवाब मांग रहे हैं। ऐसा लगता है इस सरकार को भगवान चला रहा है। मंत्री विधायकों पर खुलेआम आरोप लगा रहे हैं। बड़ी विचित्र स्थिति इस समय मध्य प्रदेश की बनी हुई है। मंत्री कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे से कोई और चला रहा है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं चला रहा हूं, कह नहीं पा रहे पर कह रहे हैं कि मैं चला रहा हूं। सुपर सीएम पत्र लिख के हिसाब किताब मांग रहे हैं। और मेरा मानना यह है कि ये सरकार को तो भगवान ही चला रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, रेत उत्खनन पर भी मंत्री विधायकों में बयानबाजी जारी है। पूरे प्रदेश पर माइनिंग की लूट है। रेत माफियाओं को सरकार का पूरा संरक्षण मिला हुआ है। महाविद्यालय प्रबंधन और छात्रों के बीच एडमिशन को लेकर घमासान मचा हुआ है। छात्रों ने महाविद्यालय प्रबंधन पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया है। छात्रों का कहना है प्राचार्य की मनमानी के चलते 2 महीने बाद भी मेरिट के आधार पर
सीट अलॉट की जा रही है, जबकि मंत्री के बयान के बाद मंत्रालय से निर्धारित एडमिशन नीति पहले आओ पहले पाओ को प्रबंधन ने दरकिनार कर दिया है। रीवा के मॉडल साइंस कॉलेज में एडमिशन को लेकर छात्रों ने कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए। छात्रों का कहना है कि कॉलेज के प्राचार्य द्वारा मनमानी की जा रही है, प्राचार्य मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन दे रहे हैं, जबकि मंत्रालय का आदेश है कि पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अब एडमिशन होना चाहिए। NSUI के छात्र नेता का कहना है कि जब उन्होंने मेरिट लिस्ट में एडमिशन का विरोध किया तो प्राचार्य ने पुलिस बुला दी। महाविद्यालय द्वारा जानबूझकर छात्रों को परेशान किया जा रहा है। पहले आइए पहले पाइए की तरह एडमिशन हो। प्राचार्य साहब ने मुझसे बोला कि मैं ऐसी व्यवस्था को संभाल नहीं पाऊंगा भले ही मंत्रालय का आदेश हो। मैंने प्राचार्य साहब को कहा कि प्राचार्य साहब आप एक जिम्मेदार पद पर हैं और इन ढंगों से बात करते हैं कि मैं व्यवस्था को नहीं संभाल पाऊंगा। प्राचार्य साहब बोले कि मैं यहाँ लाठी नहीं चलवाऊंगा कॉलेज में, आदेश चाहे जो भी हो मैं मेरिट लिस्ट पे ही करूंगा। मैंने प्राचार्य साहब से बार बार निवेदन किया, प्राचार्य साहब ने इसके बाद मेरे को धमकी दे के गए कि जो भी करना हो वो करिए, हम पुलिस को भेज देते हैं। उल्लंघन करने पर प्राचार्य साहब के विरोध में बैठा हूँ और जब तक प्राचार्य साहब पहले आइए पहले पाइए की तर्ज पे एडमिशन नहीं करते हैं तो हम लोग यहीं बैठे रहेंगे। छात्र नेता का कहना है कि प्राचार्य द्वारा नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं जिसके चलते वो धरने पर बैठे हैं। छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर महाविद्यालय उनकी मांगे नहीं मानता है तो वो लगातार धरने पर बैठे रहेंगे। साथ ही प्राचार्य को हटाने की मांग की गई है। इसलिए बैठेंगे मॉडल साइंस प्राचार्य द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो आदेश जारी हुआ उसके नियम की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा ये आदेश हमारे पास से पहले आओ पहले पाओ इसमें दिया गया है, लेकिन अभी भी ये यहाँ पे मेरिट के बेस पे प्रवेश दे रहे हैं, जिसके विरोध में हम लोग यहाँ पे तालाबंदी करके धरने में बैठे। नगर निगम की मनमानी के विरोध में दुकानदारों ने दुकानें बंद कर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि निगम मनमानी वसूली कर रहा है। बिना नोटिस दिए दुकानों के होर्डिंग्स और बैनर अचानक हटाए जाने शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने दुकानदारों के इस धरना प्रदर्शन को अवैध बताया है। ग्वालियर नगर निगम की मनमानी के चलते स्टेशन बजरिया के दुकानदारों ने अपनी दुकानें बंद कर दिया। दुकानदारों ने निगम अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि नगर निगम कामला स्टेशन बजरिया में दुकानदारों के होर्डिंग और बैनर हटाने पहुंचा था, लेकिन दुकानदारों ने जैसे ही अपने दुकानों के शटर गिराए नगर निगम अमला बैकफुट पर आ गया। निगम कार्यवाही के विरोध में बजरिया के दुकानदारों ने अपने शटर गिरा दिए और शासन विरोधी नारे लगाते हुए धरने पर बैठ गए। दुकानदारों की अगुवाई कर रहे सुनील कुमार का कहना है कि वे पिछले एक माह से परेशान है, निगम अधिकारी द्वारा धड़ल्ले से उगाही की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि निगम अमला बिना किसी नोटिस या सूचना के स्टेशन बजरिया पर पहुंच जाता है और आधमकने के बाद दुकानों पर लगे होर्डिंग और बैनर अचानक से हटाना शुरू कर देता है। इसी से नाराज होकर दुकानदारों ने सड़क पर धरना दिया है। पिछले एक माह से नगर निगम विभाग द्वारा हमारे सभी छोटे बड़े दुकानदारों पर स्वच्छता के नाम पर अतिक्रमण के नाम पर जो अवैध उगाही चल रही है हम उससे परेशान थे और आज हम इसलिए उग्र और एकत्रित हुए हैं कि आज नगर निगम के कुछ अधिकारियों द्वारा सवेरे काफ़ी ज़्यादा संख्या में आकर के बिना किसी सूचना के हमारे बाज़ार में जो हमारी दुकानों के बोर्डों को तोड़ने वो लोग आ गए थे, हमारे साथ बैठा नहीं गया और उल्टा उसके एवज में कार्रवाई करने के लिए प्रशासन को भेजा दिया गया, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। पड़ाव थाना प्रभारी प्रशांत यादव का कहना है कि दुकानदार बिना किसी सूचना के धरने पर बैठे हैं जो नियम विरुद्ध है। उनकी मांगों को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचा दिया गया है, जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। आज सुबह जो है नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारियों के द्वारा जो है यहाँ कार्रवाई की गई, इनके बोर्डिंग हटाए गए और इनको कोई पहले से उसको सूचना नहीं दी गई, उसको विरोध को लेकर आज सभी जो व्यापारी संघ है यहाँ का उन्होंने पूरी दुकानें बंद की हैं और धरने पर बैठे हुए हैं कि हमें बिना परमिशन के जो है कोई मतलब इसमें कार्रवाई नहीं की और कोई सूचना नहीं दी हमारे और अपनी मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। बुजुर्ग महिला की जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो वो अचानक कलेक्टर की कार के आगे लेट गई। महिला ने आरोप लगाया कि वो तहसील दफ्तर के कई चक्कर लगा चुके हैं, रिश्वत देने के बावजूद भी उसकी सुनवाई नहीं हो रही है।
ये बुजुर्ग महिला अपने पति की मौत के बाद जमीन अपने नाम कराने के लिए लंबे समय से तहसील के चक्कर लगा रही थी। पति की मौत के बाद अपने नाम जमीन नामांतरण करवाने के लिए लवकुश नगर तहसील के चक्कर लगाए और काम के एवज में पटवारी और आरआई ने उससे घूस की रकम भी ली, लेकिन उसका काम नहीं हुआ। कई बार जनसुनवाई में भी आई। जब कलेक्टर की जनसुनवाई के बाद भी बुजुर्ग महिला को अपनी समस्या का हल नहीं मिला तो कलेक्टर मोहित बुंदास की कार के आगे लेट गई। कलेक्टर तत्काल अपनी कार से नीचे उतरे और उस बुजुर्ग महिला से उसकी परेशानी जानी। तत्काल बुजुर्ग महिला का काम करने के निर्देश भी दिए। अचानक हुए इस घटनाक्रम के बाद जिला पंचायत कार्यालय में हंगामा हो गया। लगता है शिवराज सिंह चौहान के राज में शुरू हुई जनसुनवाई अब कमलनाथ राज में भी मजाक बन चुकी है। अब लोगों को अपनी सुनवाई के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा। जब कहीं जनसुनवाई में सुनवाई नहीं हुई तो बुजुर्ग महिला ने मजबूरन यह कदम उठाया और कलेक्टर की कार के आगे लेट गई। तब कहीं जाकर उसकी सुनवाई हुई। कलेक्टर के भी हाथ पांव फूल गए थे। और तहसीलदार मांगा तो 10,000 समझ की मोरे नहीं हम ते ना चाहे ना बाबू ना लाए पाऊ तहसीलदार बाबू ना लाए हां कोई नाम जब शाम पा को सुना के आकर जो कुछ सुना जा सुना साहब से सुनाओ कैसा मोर पेट का रोटी दे बाद जा हां नेट दे दो पैसा नहीं के मारे के वो सुन ले तो उनका नामांतरण का कोई केस था, बूढ़ी अम्मा थी और मैंने निर्देश दिया कि आज शाम तक ही अगर अविवादित होगा तो हम उसको तुरंत तत्काल कराएंगे और आज शाम तक ही करा के उसको सटी करेंगे। ठगी के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का आरोप है। गिरफ्तार आरोपी भोपाल का बताया जा रहा है। ग्वालियर में ठगी के मामले में फरार आरोपी को पड़ाव पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी भोपाल का रहने वाला बताया जा रहा है। आरोपी पर 12 लाख रुपए की धोखाधड़ी किए जाने का आरोप है। पुलिस अब आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है ताकि रकम बरामद की जा सके। जानकारी के अनुसार दीपक शर्मा ने भोपाल निवासी विपिन चतुर्वेदी पर 12 लाख की धोखाधड़ी किए जाने का मामला दर्ज कराया है। बताया गया है कि दीपक और विपिन दोनों ही कारोबारी हैं और विपिन को भुगतान किए जाने के बाद भी दीपक ना तो माल दे रहा है और ना ही उसकी रकम लौटाई है। पुलिस ने भोपाल निवासी विपिन को गिरफ्तार कर लिया है। दीपक शर्मा के द्वारा अभी कुछ दिन पहले एक FIR कराई गई थी, उसके साथ जो है 12 लाख की ठगी की है। विपिन चतुर्वेदी नाम का व्यक्ति है जो कि भोपाल का रहने वाला है, उसके साथ वो व्यापार करता था, उसी को लेकर उसने 420 का एक मुकदमा कायम कराया था और कल जो है विपिन चतुर्वेदी को अरेस्ट किया गया है भोपाल से। अभी उससे पूछताछ की जा रही है और न्यायालय पेश किया जाए। जुआ खेलते पकड़े गए एक युवक की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। मामला तूल पकड़ता देख आनन फानन में प्रशासन ने चौकी के प्रधान आरक्षक सहित 3 अन्य पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें लाइन अटैच कर दिया और मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दिए। गाडरवाड़ा में जुआ खेलते पकड़ाए गए खापा गांव के वीरेंद्र पटेल की पुलिस कस्टडी में मौत का मामला गर्माने लगा है। पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है, जिसे लेकर परिजनों के समर्थन में बीजेपी के राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी और विधायक जामल सिंह अपने समर्थकों के साथ अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने पुलिस पर प्रताड़ना के चलते वीरेंद्र की मौत पर मजिस्ट्रेट जांच की मांग की और दोषी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर धारा 370 में मामला दर्ज करने की भी मांग की है। वहाँ गांव में पत्ता लगे थे। कौन से गांव में? खापा ग्राम में। और हमारे जिया जी वीरेंद्र पटेल जो वहाँ पत्ते के पास जाकर खड़े रहे थे, इतने में पीछे से पुलिस 7-8 लोग आए, पुलिस वाले, और उनको पकड़ लिया। कुछ लड़के भाग गए, 3 लोगों को पकड़ लिया। अच्छा। बल्कि जिया जी तो वहाँ पत्ते खेल भी नहीं रहे थे, जहाँ तक पहुँचे थे खेलने वाले बता रहे हैं। और उनको उनने मना भी किया कि आप इनको मत ले चलो, उनको स्वास्थ्य गड़बड़ गया था, तो इनको पैसा वाला देख के समझ के इनको ले रहे। हालातों को बिगड़ते देख जिला अस्पताल में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई। कलेक्टर SP सहित मजिस्ट्रेट एवं अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाइश देकर मांग पूरी करने का आश्वासन दिया। पूरे घटनाक्रम की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए। साथ ही नया गांव पुलिस चौकी के प्रधान आरक्षक राजा राम सहित 3 अन्य पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें लाइन अटैच कर दिया गया। इसके बाद परिजन शव लेने को राजी हुए। सूचना मिली कि कुछ लोग जो है वो जुआ खेल रहे हैं ग्राम खापा में। सूचना पर तत्काल थाने को बताया गया, थाने से पुलिस टीम रवाना की गई
और पुलिस टीम ने वहाँ जाके रेड की और वहाँ पर तीन आदमी पकड़े। तो एक आदमी ने कंप्लेंट की कि मुझे सांस लेने में दिक्कत आ रही है। पुलिस ने घटनास्थल पर ही देखते हुए तत्काल कार्रवाई की, एम्बुलेंस बुलवाई और एम्बुलेंस में उन्हें तत्काल हॉस्पिटल रवाना किया। हॉस्पिटल में आके उनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। डॉक्टर से बात करने पता चला कि वो पहले से हार्ट के मरीज थे, उन्हें पहले भी उनकी बाईपास की या स्टेंट की सर्जरी हो चुकी थी, इस कारण उनकी मृत्यु हुई है। राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी और विधायक ने इस मामले की आड़ में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और प्रदेश सरकार को पुलिस रूपी गुंडा तंत्र और लूट खसोट वाली सरकार बताया। विधायक ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस सरकार में लूट खसोट मची हुई है, पुलिस जनता को परेशान कर रही है। किसी स्थान पर एक पत्ता लोग गाँव में खेलते हैं समय पास करने के लिए, और वहाँ पुलिस आई, पुलिस ने आके घेराघारी की, बाकी लोग भाग गए, वो नहीं रुक गए। उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई मैं तो नहीं खेल रहा था, बाकी लोग पत्ते खेल रहे थे यहाँ वहाँ। उसमें दो लोगों ने पुलिस ने पकड़ भी लिया, उनकी कालर पकड़ के उनकी बेइज्जती करी पुलिस ने, उनके साथ धक्का मुक्की करी, और उन्होंने कहा कि मेरा अभी पिछले बार एंजियोप्लास्टी हुई है, और उसी समय उनको घबराहट भी हुई। उन्होंने कहा मुझे घबराहट हो रही, पर पुलिस ने वहाँ से बिठा लेके और नयागांव चौकी ले गए। जब चाप जा तबीयत बिगड़ गई तो उन्होंने पुलिस साथ में आ के उन्होंने पुलिस एक गाड़ी में भिजवाया, फिर एम्बुलेंस के माध्यम से उनको यहाँ तक, दो जो उनके साथ गए थे उनके साथ गए, वो बीच में मृत जब अस्पताल है तो मृत पाए गए। यदि पुलिस का मानवीय व्यवहार होता तो ये जान बच सकती। रात्रि में घटना हुई और हमारे माननीय विधायक जी ने तत्काल उस पर नोटिस में लिया, बात की बड़े अधिकारियों से, और तब जाके कहीं एम्बुलेंस वगैरह पहुंची और जुडिशल इंक्वायरी की उनने घोषणा कर दी, इसलिए हम लोग इसके आगे कोई स्टेप नहीं उठा रहे हैं। हरदा के पॉलिटेक्निक कॉलेज सभागार में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण आहार पर एक मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए कई व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया। कहा गया कि कमजोर व कम वजन वाले बच्चों को विशेष भोजन करवाकर वजन बढ़ाने पर कार्य किया जाएगा, साथ ही साथ हर आंगनबाड़ियों में पोषण आहार पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। कार्यशाला में कलेक्टर एस विश्वनाथन, महिला बाल विकास अधिकारी संजय त्रिपाठी सहित आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद थे। कलेक्टर ने संबोधित कर पोषण आहार पर महत्वपूर्ण जानकारी दी। कार्यशाला में शहर के आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ताओं द्वारा तैयार किए गए कई व्यंजनों को प्रदर्शित किया गया, जिसे कलेक्टर ने चक्कर देखा। राष्ट्रीय पोषण माह 1 सितम्बर से 30 सितम्बर तक चलाया जाएगा, जिसमें जिले के प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर कमजोर व कम वजन वाले बच्चों को विशेष भोजन बनवाकर करवाकर वजन बढ़ाने का कार्य किया जाएगा, साथ ही हर आंगनबाड़ियों में पोषण आहार पर विशेष अभियान चलाया जाएगा। महिला बाल विकास विभाग द्वारा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रथम आने वाली युवतियों को शील्ड व प्रमाण पत्र वितरित किए गए। ट्रक मालिक ने अपने ही ड्राइवर और क्लीनर को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इनके बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद था। पूरी घटना का वीडियो एक कैमरे में कैद हो गया और अब यह वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ग्वालियर के बहोड़ापुर थाना क्षेत्र स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में पैसे के लेन देन को लेकर ट्रक मालिक ने ड्राइवर क्लीनर को दौड़ा दौड़ा कर मारा। बताया जा रहा है कि ट्रक मालिक का नाम हेमू सिकरवार है। हेमू ने अपने ड्राइवर सूरज और क्लीनर को सड़कों पर दौड़ा कर पीटा है, जिसका किसी ने वीडियो वायरल कर दिया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दर्जन भर से ज्यादा लोग दो व्यक्तियों को जूते लात घूंसे से बेरहमी से पीट रहे हैं। जब दोनों जान बचाकर भागते हैं तो उन्हें वापस पकड़कर फिर से पीटा जाता है। वीडियो में ट्रक मालिक दोनों व्यक्तियों को पिटवा रहा है और भद्दी गालियां दे रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज। दखल आपके हक में अब जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपको वेलकम कर रही हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। तो कल्याण भाई, भोपाल तो शिमला हो रही है, लद्दाख हो रही है, ये सब लगातार झमाझम पानी चल रहा है, मजा आ रही है। बता रहे हैं पूरे ताल तलैया ला वाला सबके गेट खुल गए। मैंने सोचा कि कल चलो मैं गेट देखने जाऊं कैसे खुलते हैं। मैं गया तो मेरे घर का गेट बंद था, निकल ही नहीं पाया। थोड़ी देर बाद मैंने घर का गेट खोला, गणेश जी को लेने जाना था, मैं गणेश जी की स्थापना करनी थी, फिर लेके आया मैं। गणेश जी ने रास्ते में मेरे से बातचीत करी बहुत। हाँ, उनको स्कूल लग रहे थे, बड़े बड़े गड्ढे हो रहे सड़कों पे। मैंने कहा चिंता मत करो गणेश जी, अभी क्या नगर निगम चुनाव आ रहे हैं, सबको देख लेंगे हम, सब सुधरवा लेंगे।
और ये देखो असली लोकतंत्र है ना कांग्रेस में चल दिया है, गुटबाजी खोल के उबर के आ रही है बता रहे हूँ। और ये उमंग सिंगार जो मंत्री हैं इनके, इन्होंने खोल के बोला है कि दिग्विजय सिंह चिट्ठियां लिख रहे हैं और सरकार पीछे से पर्दे के पीछे से चला रहे हैं। और मैं बता रही हूँ असली लोकतंत्र कांग्रेस में है, गुटबाजी खुल के चलती है बता रहा हूँ, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। उमंग सिंगार जो मंत्री है उन्होंने बोला है कि दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे हैं और चिट्ठियां लिख रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ चिट्ठियां लिखने का जमाना है कि आप ईमेल करो व्हाट्सएप करो, ये कहाँ पुरानी चीज है चिट्ठियाँ विट्ठियाँ। और दूसरा उस पर दिग्विजय सिंह का कहना है कि हमारे यहाँ तो रिमोट कंट्रोल का सिस्टम है, रिमोट कंट्रोल हमारी सोनिया जी चलाती थी, हमने भी रिमोट चला दिया, इसमें कौन सी नई बात है। और ये खबर ये देखो चंद्रमा पे है जो चंद्रयान 2 हमने भेजा है उसका अब ये लैंडर है ना अलग हो गया है, कक्षाओं में चक्कर लगा रही है, बहुत पास पहुंच गया चंद्रमा के। मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी के जो ट्वीट हैं वो कक्षा से बाहर ही निकल जाते हैं, हर बार कोई भी कोई ना कोई कंट्रोवर्सी हो जाती है। हाँ इस पर कांग्रेसी नेताओं कह रहे हैं कि हमें इसरो से हेल्प लेंगे जरूर, वहाँ से कुछ नया नियम लाएंगे ताकि है ना इनके ट्वीट सही जगह पे जाएं। हाँ भैया खबर ये देख लो चिदम्बरम जी अभी जेल जा तिहाड़ जाते जाते बच गए। बता रहे हूँ ये नेता लोग ये जो अपनी है जो घोटाले वोटाले करते रहते हैं आखिर में इनको अंत समय में जेल में जाना ही पड़ता है। तो मैं बता रहा हूँ जेलों को 5-स्टार बनाओ, बेहतरीन सुविधाएं करो, क्या दिक्कत है उसमें। हाँ जब आखिरी टाइम वही निकालना है। और ये खबर ये देख लो मज़ेदार, रीवा की जो लता टंडन जी है 72 घंटे लगातार खाना बनाएंगी, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाली है गिनीज बुक में, ये रिकॉर्ड पहले एक अमेरिकन के नाम पे था। और मैं बता रहा हूँ मेरे पास बहुत सारे फोन आ रहे थे कि भैया हम तो अभी यहाँ रीवा में शादी करेंगे, वहाँ की लड़कियाँ अच्छा खाना बनाती हैं, अब देखो ऐसे तो बात ही ऐसी बातें शुरू कर देते हैं लोग। और ये खबर ये देखो बेंगलोर में एक आर्टिस्ट हैं वो अंतरिक्ष यात्री बन के है ना सड़कों पर उतरे, वहाँ की उबड़ खाबड़ सड़कें थी गड्ढे थे उनमें, अब वो मैसेज देना चाह रहे थे वहाँ की सरकार को कि भैया इनको ठीक करो, ये कलाकार बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ और ये खबर देखो पीएम साहब की जो चाय की दुकान है वडनगर में जहाँ से उन्होंने चाय की दुकान चाय बेचते थे पहले, वो टूरिस्ट प्लेस बनेगा। अब केंद्रीय पर्यटन मंत्री जो प्रहलाद पटेल जी हैं वडनगर पहुंचे, वहाँ पे उन्होंने पीएम साहब की जो दुकान देखी चाय बना जहाँ चाय बनाते थे चाय बेचते थे उन्होंने उसको टूरिस्ट प्लेस बनाने की घोषणा कर दी है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं भी सोच रहा हूँ ये पकौड़े वकौड़े ही डाल लूँ दुकान कहीं, हाँ भविष्य में पीएम बन गया तो। हाँ ये खबर ये देख लो कि ट्रैफिक नियमों में बड़ा है ना बदलाव हो गया, केंद्र सरकार ने बहुत बड़े बड़े जुर्माने लगा दिए हैं, हेलमेट नहीं पहनो को 1000 रुपये, शराब पी किया को 10000 रुपये, बिना लाइसेंस की गाड़ी चलो 5000 रुपये। और मैं बता रही हूँ ये नौबत क्यों आती है, एक अच्छे नागरिक बनो ना हेलमेट खरीद लो 1000 रुपये में तो बढ़िया हेलमेट आ जाएगा, हैं वो पहन के अपनी भी जान बचाओ दूसरों की भी बचाओ। ये कट मार के निकलती हैं ऐसे कहीं ओवरटेक करेंगे, लाल बत्ती का कोई ख्याल नहीं रखेंगे, एक अच्छे नागरिक बनाओ यार, जरूरत ही नहीं पड़े जुर्माना उर्माने की। हाँ वही यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया है, अब मुझे पता है क्यों कर दिया है, आर्थिक स्थिति खराब चल रही है, कहाँ से इतना लोग पीस देंगे बताओ, मंदी चल रही है ये तो चल रहा है। और मैं तो चला भैया मैं अपना लाइसेंस रिन्यू करा लूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी फॉर्मली नोन एज आईसेक्ट यूनिवर्सिटी द पायनियर्स इन स्किल डेवलपमेंट विथ फोकस ऑन क्रिएटिंग इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स। जॉइन इंडियाज प्रीमियर स्किल बेस्ड यूनिवर्सिटी रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज़ आपके हक हाँ।